रिकॉर्डिंग लाइव पीडीएफ, रिकॉर्डिंग लाइव पीडीएफ, बस सारे दिन यही चलता रहता है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में आएगा, करो इसको ट्राई। ए और बी किसी वर्क को 12 डेज में कर सकते हैं। अगर ए अकेला वर्क करे, ए इस पे वर्क करेगा 8 डेज तक अकेला, उसके बाद जो रिमेनिंग वर्क है उस वर्क को बी कंप्लीट करेगा 20 डेज में। तो आपको फाइंड आउट करना है बी अकेला उस वर्क को करने में कितना टाइम लेगा। बताओ कैसे सॉल्व करोगे। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, है बड़ा इजी। टाइम एंड वर्क पूरी मैथ का सबसे इजी चैप्टर है। थर्टी सिक्स भाई, एक बार सब बच्चे ट्राई करो। देखो टाइम आपको गिवन है, बस आपको इफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। बताओ इफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो ए और बी किसी वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करते हैं, 12। ए और बी किसी वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, 12। अगर इस सेम वर्क को, अगर आपको इस सेम वर्क को कराना है तो आप कैसे करा सकते हो भाई, 8 डेज तक तो ए अकेला वर्क करेगा। उसके बाद जो रिमेनिंग वर्क है उस रिमेनिंग वर्क को बी 20 डेज में कंप्लीट कर देगा। भाई जितना वर्क ए और बी ने मिलकर 12 डेज में करा होगा, जितना वर्क ए और बी ने 12 डेज में करा होगा, वही सेम वर्क अगर ए 8 डेज वर्क करे और बी 20 डेज वर्क करे तो बी ये दोनों मिलके भी सेम वर्क करेंगे। इसका मतलब ए और बी का 12 डेज का वर्क और ए का 8 डेज का प्लस बी का 20 डेज का वर्क इक्वल है। यहां से ए और बी की एफिशिएंसी फाइंड आउट करो। बच्चों ये बात समझ आ गई जो हमने अभी स्क्रीन पे लिखी है। अब करो, देखो अगर यहां से आपके पास ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएंगी, ए और बी की एफिशिएंसी को यहां पुट कर दो, टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क को ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करो, ए का टाइम आ जाएगा। बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करो, बी का टाइम आ जाएगा। तो बताओ ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी। ए वाली टर्म्स को एक साथ कर लो, बी वाली टर्म्स को एक साथ कर लो, ये क्या होगा, 4A इक्वल्स टू कितना होगा, 8B। 4A इक्वल्स टू 8B, तो यहां से हमारे पास ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होंगी, 2 और 1। ए और बी की एफिशिएंसी है हमारे पास 2 और 1। अगर हम ए और बी की एफिशिएंसी को यहां पुट कर देते हैं, ए और बी दोनों मिलके वर्क को 12 डेज में कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। तो बच्चों टोटल वर्क कितना होगा, देखो एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पास यहां से। ए की एफिशिएंसी है 2, बी की एफिशिएंसी है 1, तो टोटल वर्क कितना होगा, 36। टोटल वर्क है आपके पास 36। अगर इसको आप ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो ए का टाइम मिल जाएगा आपको। अगर इस सेम वर्क को आप बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो बी का टाइम मिल जाएगा। बताओ बच्चों बात समझ आई। हाँ ये थोड़ा ठीक सा था क्वेश्चन, ये आता बहुत ज्यादा एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन को ना आप एक मेथड से और भी कर सकते हो, अगर आप थोड़े से एक्सट्रीम लेवल के माइंड का यूज करोगे तब। अब ना देखो आपका कोर्स मतलब मेन मेन चैप्टर तो हो ही गए, कुछ ही बचे हैं, तो अब ना आप सोचना भी स्टार्ट करो। अब आप ये बताओ कि
इस क्वेश्चन को आप और किस मेथड से कर सकते हो, सोचो थोड़ा भाई। आपको करना क्या है, ए और बी की एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, बस ए और बी की एफिशिएंसी को यहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बताओ ए और बी की एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो बिना कैलकुलेशन करे? ट्रिपलेट कहां से आ गई भाई यहां पर? सिर्फ पहले क्लास में करवाए थे ना? नहीं नहीं वो नहीं। और बताओ कोई, करो थोड़ा ट्राई, थोड़ा सा माइंड का यूज करो। एलसीएम भाई आपको कुछ नहीं करना, आप ना बस इन दोनों इक्वेशन को देखो और इनको देखते रहो। देखो आप मेरी बात समझो भाई, ए प्लस बी वर्क को 12 डेज में कंप्लीट करेंगे, इसका मतलब क्या है? ए ने भी 12 डेज तक वर्क करा होगा और बी ने भी 12 डेज तक वर्क करा होगा। अगर आप थोड़ा सोचना चाहते हो तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो। बिल्कुल भाई, ए और बी वर्क को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं, इसका मतलब ए ने भी वर्क करा होगा 12 डेज, बी ने भी वर्क करा होगा 12 डेज। अब आप मुझे ये बताओ, ए ने वर्क को 8 डेज बाद लेफ्ट कर दिया, तो बी का, ए का कितने डेज का वर्क रिमेनिंग बचा? अगर ए ने वर्क को 8 डेज बाद लेफ्ट कर दिया और दोनों को 12-12 डेज वर्क करना था, तो ए का कितने डेज का वर्क रिमेनिंग बचा? 4। अब बी को भी करना तो 12 डेज था, लेकिन बी ने करा कितने डेज तक है? 20 डेज तक। भाई बी को करना तो 12 था, करा है उसने 20। अब ये जो उसने 8 डेज एक्स्ट्रा करा है बी ने, ये किस लिए करा है? क्योंकि ए ने 4 डेज पहले लेफ्ट कर दिया, इसका मतलब ए का 4 डेज का वर्क और बी का 8 डेज का वर्क इक्वल होगा। बताओ बच्चों आई बात समझ? तो ऐसे भी कर सकते हो। सबको समझ आ गई बात? एक बार फिर से समझ लो, कुछ बच्चों को समझ नहीं आई, देखो फिर से समझो। ए और बी वर्क को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं, इसका मतलब ए भी 12 डेज करेगा और बी भी 12 डेज करेगा, इसका मतलब यही तो है। अगर ए और बी दोनों 12-12 डेज वर्क करें तो वर्क कंप्लीट हो जाएगा 12 डेज में। अब इसके बाद ए ने वर्क को लेफ्ट कर दिया 8 डेज बाद, ए को करना कितने डेज तक वर्क था? 12। तो ए का कितने डेज का वर्क रिमेनिंग बचा? 4। ए ने 4 डेज तक वर्क नहीं करा, इस वजह से बी को 8 डेज एक्स्ट्रा आना पड़ा। ए का 4 डेज का वर्क और बी का 8 डेज का वर्क इक्वल होगा, तो यहां से भी आपके पास ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2/1। बताओ बच्चों बात क्लियर हुई? देखो कोर्स तो हो ही जाएगा कंप्लीट। देखो अगर आप ऐसे करोगे जनवरी एंड तक, तो फिर तो कोर्स एक वीक में भी कंप्लीट हो सकता है, मैं क्वेश्चन हटा दूंगा बीच बीच में से, वरना करते रहो। चीजों को आराम आराम से करते रहो ना, चीजों को सीखते रहो। देखो मैं पढ़ाता हूँ एकदम आराम आराम से, कोई भी चैप्टर है वो 15 डेज चले, 10 डेज चले, कितने भी डेज तक चलता है, तो उसको चलने दो ना, आप आराम से सीखो, हो ही जाएगा कंप्लीट। जब भी होगा करो इसको रीड। नहीं नहीं कोई बात नहीं अनमोल, देखो अभी तो आपके थोड़े मुझे 2-4 टेस्ट भी लेने हैं, क्योंकि मुझे बच्चों के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, कोई नहीं पढ़ता बाद में। देखो इस क्वेश्चन को करो रीड और एक बार आप ट्राई करो।
नहीं मुझे है भी नहीं बच्चों पे भरोसा, बच्चों को काम बहुत है ना इसलिए। देखो ए और बी किसी वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करते हैं, 30। ए और बी वर्क को कंप्लीट करेंगे 30 डेज में। इन्होंने दोनों ने मिलकर 23 डेज तक वर्क करा, इसका मतलब क्या हुआ, 23 डेज तो ए ने भी वर्क करा होगा और 23 डेज बी ने भी वर्क करा होगा। भाई दोनों ने मिलकर 23 डेज तक वर्क करा तो इसका मतलब क्या है, 23 डेज ए ने भी वर्क करा, 23 डेज बी ने भी वर्क करा। उसके बाद बी ने लेफ्ट कर दिया, उस बी के लेफ्ट करने के बाद ए ने वर्क को 33 डेज में कंप्लीट कर दिया। इसका मतलब लास्ट वाले जो 10 डेज होंगे उसमें तो ए ने अकेले वर्क करा होगा। बताओ बच्चों बात समझ आई? नहीं यशिका ऐसा कुछ नहीं है, देखो 11 to 2 वो तो मतलब एक स्टैंडर्ड टाइम है। अगर कोई अपर लेवल के बच्चे हैं थोड़े तो फिर उनका है 10 to 6, क्योंकि फिर वो मैंने ऐसा देखा भी है फिर उनको नींद भी तभी आती है। तो देखो यहां से आपके पास क्या होगा, देखो ए ने टोटल कितने डेज तक वर्क करा, 33 डेज तक, और बी ने कितने डेज तक वर्क करा, 23 डेज तक। तो यहां से इनको इधर उधर ले जाओ और ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। टेन टू फाइव क्लास, भाई इतनी क्लास कौन लेता है बच्चों। देखो एक बात आज समझ लो आप, अगर आप बहुत ज्यादा भी पढ़ रहे हो ना, अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो तो फिर भी आप गलत ट्रैक पे हो। तो आपके पास कितना होगा, 7b = 3a, 7b = 3a। तो यहां से हमारे पास b और a की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 और 7। सर 10a क्यों लिखा आपने? 10a इसलिए लिखा, देखो ये जो वर्क है बी ने लेफ्ट कर दिया, उसके बाद वर्क कंप्लीट हुआ 33 डेज में, 23 डेज तो ए और बी ने साथ में वर्क करा है। अब ये जो हमारे पास 10 डेज बचे इसमें बी ने तो लेफ्ट कर दिया तो ए ने करा होगा। बी के 23 दिन, बी के छोड़ मतलब कि 23 दिन तक तो दोनों ने साथ में काम किया, उसके बाद और 33 डेज लगेगा। नहीं देखो टोटल वर्क जो कंप्लीट हुआ है ना वो 33 डेज में हुआ है, पूरा और 33 डेज नहीं लगे। वर्क जो कंप्लीट हुआ है वो 33 डेज में हुआ है, इसका मतलब 23 डेज तो दोनों ने साथ में वर्क करा होगा और लास्ट के 10 डेज ए ने वर्क करा होगा। 33 डेज में कंप्लीट हो गया वर्क। ए और बी की एफिशिएंसी आ गई आपके पास 7 और 3। अब देखो टोटल वर्क कितना होगा, ए और बी दोनों मिलके वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करते हैं, 30। तो बच्चों टोटल वर्क कितना होगा हमारे पास, 300। अगर आप 300 को ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे तो ए का टाइम आ जाएगा, और अगर बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास बी का टाइम आ जाएगा, और ये आपका आंसर होगा। अब ये तो था इसका एक मेथड। बताओ बच्चों बात समझ आई? चंद्रिका आप अपनी बैंक की क्लास लेती हो इतनी 10 to 5? फिर ठीक है, सर मेरी कॉलेज की क्लास होती है 10 to 3, फिर 3 to 5 कोचिंग की होती है। कॉलेज वाले कॉलेज में तो कुछ कराते नहीं है, ऑनलाइन जरूर पढ़ा रहे होंगे, वो फीस ले ली होगी बस कॉलेज। सर कुछ कुछ तो इम्पोर्टेंट होती है बस, मतलब 3 4 क्लासेस इम्पोर्टेंट होती है, बस एक थोड़ी ऐसी होती है। मतलब लास्ट तक नहीं समझ आया, 300/7 और 300/3। नहीं देखो अगर हमें फाइंड आउट करना है ए वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा तो हमारे पास टोटल वर्क आ गया रोहन 300,
अगर हम इस 300 वर्क को ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो ए का टाइम आ तो जाएगा, बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो बी का टाइम आ जाएगा। सर 300 टोटल कहाँ से आया है? अच्छा 300 देख, रुको रुको एक सेकंड बस, देखो ए और बी दोनों मिलके वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करते हैं, 30। ए की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 7, बी की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 3, तो टोटल वर्क कितना होगा, 10 × 30, 300। ठीक अब अगर इस 300 को ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो ए का टाइम आएगा, बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो बी का टाइम आएगा। अब देखो ए प्लस बी वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करते हैं, 30। इसका मतलब क्या है, ए भी 30 डेज तक वर्क करेगा और बी भी 30 डेज तक वर्क करेगा। एक तो बच्चों आपकी क्लास ही चलती रहती है सारे दिन। पढ़ो, ए और बी किसी वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, 30। ज्यादातर आप ही मेरे साथ होते हो, जब भी मेरा फोन आता है कोई ऐसी घटना घटित होती है, ए और बी वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, 30। तो इसका मतलब क्या है, ए भी वर्क कितने डेज तक करेगा, 30, और बी ने भी वर्क कितने डेज तक करा होगा, 30। अब देखो दोनों ने मिलकर कितने डेज तक वर्क करा है, 23। उसके बाद बी ने वर्क को लेफ्ट कर दिया, बी ने कितने डेज का वर्क नहीं करा, 7। बी के 7 डेज वर्क ना करने की वजह से ए को 3 डेज एक्स्ट्रा आना पड़ा, तो बी का 7 डेज का वर्क और ए का 3 डेज का वर्क इक्वल होगा, यहां से बी और ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और 7। बताओ बच्चों बात समझ आई? देखो अगर पिया ऐसा है, मतलब इतने दुख की बात है, कोई बात नहीं यूट्यूब से कर लो, पढ़ने वाले को कोई रोक थोड़ी ना सकता है। 3 इडियट्स नहीं देखी क्या? सर मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था, आपने रिप्लाई नहीं किया कब सर, व्हाट्सएप पर नहीं कब भेजा था? सर, 1 मिनट। चलो फिर मैं अभी देख लूंगा क्लास के बाद। हाँ सर मैंने करा है, बस मुझे उसमें जानने कि मतलब मैंने कहाँ पर गलत किया है, वो थोड़ा आंसर नहीं आया मेरा। ओके ओके अभी देख लेंगे फिर क्लास के बाद। देखो पिया अगर आपके साथ ऐसा है ना तो आप क्या करो, एडवांस मैथ के नोट्स तो मिलते ही हैं, लिखना तो कुछ है नहीं, उन्हीं को देखो खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दो, उन्हीं को देखो खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दो। यशिका मेरे को मुश्किल लग रहा है आपको लड्डू मिलने। देखो वैसे ऐसा कुछ डिफरेंस है नहीं, डिफरेंस है आपके माइंड का, है सब वही। देखो थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा ही, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही, लेकिन अगर आपने ये अर्थमेटिक वगैरह अच्छे से करी है ना तो फिर उधर एडवांस मैथ में भी दिक्कत नहीं होगी, इंटरेस्ट की तो बात है बस। एडवांस मैथ में 4 चैप्टर है बस, उन 4 चैप्टर का डिफरेंस है मेजर, और अगर उधर 4 चैप्टर ज्यादा हैं तो फिर अर्थमेटिक वाले 4 से 5 चैप्टर कम है, बात बराबर है।
भाई बाकी सब बच्चे आंसर बताओ क्या होगा। पिया आप टाइपिंग करो, क्या पूछना चाह रही हो आप? देखो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐसा कोई नहीं है, एक तो जीएस है। जीएस और एडवांस मैथ, बताओ बच्चों आंसर। अब भाई सब ट्राई करो बच्चों, आंसर बताओ। ए और बी वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करते हैं? 24। 20 डेज तक तो दोनों ने साथ 72 में वर्क करा, कितना? सर, टोटल तो मतलब ऐसे 72 आ रहा है। 72। 48 20 डेज तक तो दोनों ने साथ में वर्क करा, उसके बाद ए ने लेफ्ट कर दिया, तो वर्क कंप्लीट हुआ 26 डेज में। इसका मतलब ये लास्ट वाले जो 6 डेज होंगे इसमें तो बी ने अकेले वर्क करा होगा। तो बस यहां से ए और बी की एफिशिएंसी बताओ बच्चों कितनी होंगी। भाई सही बताना एफिशिएंसी, देखो 1 और 2, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करेगा। ए और बी की एफिशिएंसी है 1 और 2। अब देखो दोनों मिलके वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करते हैं? 24। ए और बी दोनों मिलके वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करते हैं? 24। तो बच्चों सबसे पहले आप ये बताओ टोटल वर्क कितना होगा? 72। टोटल वर्क होगा 72। आपको फाइंड आउट यस करना सर। है टोटल वर्क के 2/3 पार्ट को, तो 73 का 2/3 कितना होगा? 72 का 66.66% कितना होगा? 48। अब आपको फाइंड आउट करना है, इंटरनल भी उस्ताद हो रहा है एकदम, उसको सब पता है कौन क्या बोलने वाला है। अब देखो आपको किसका फाइंड आउट करना है? ए। आप 48 को अगर ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो आपको ए का टाइम पता चल जाएगा, और अगर आप 48 को बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो बी का टाइम पता चल जाएगा। ये आपके आंसर होंगे। बताओ बच्चों बात समझ आई? यस सर। बी का 24, ए का 48। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है हाँ बोलो बोलो। सर, 4 इज़ इक्वल टू 2 वे होगा ना? बताओ बच्चों, इस मेथड से तो भी करेंगे हम। अब बताओ बच्चों ए और बी में क्या रिलेशन होगा जो हम अब हर बार कर रहे हैं, 4A इक्वल्स टू 2B। भाई ए का कितने डेज का वर्क बचा? 4। और बी को कितने डेज एक्स्ट्रा आना पड़ा? 2। बिल्कुल रोहन, 4A इक्वल्स टू 2B होगा। तो अब यहां से ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएंगी, आंसर आ जाएगा। ये तो सेम ही क्वेश्चन है, 18 और 19 एकदम सेम है क्वेश्चन। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करो ट्राई। सर एक चीज और, हाँ जी, सर हमने 72 को 2/3 से किस लिए लिया? ठीक क्योंकि हमसे पूछा है ना टोटल वर्क का 2/3 पार्ट, है ये ना 2/3, तो टोटल वर्क 72 का हमने 2/3 फाइंड आउट कर लिया।
करो बच्चों अब इसको ट्राई, बताओ आंसर कितना होगा। फाइव पी इक्वल्स टू सेवन आर, करो बच्चों सब ट्राई करो। देखो इस कॉन्सेप्ट पे ना बस इतना ही क्वेश्चन बन सकता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा कभी नहीं बनेगा। तो अब एक क्वेश्चन को आप ट्राई करो, नीलम कितना होगा आंसर। शाइस्ता आंसर कितना होगा, 120/7। देखो P और R किसी वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करते हैं, 10। P और R कोई भी वर्क है उस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, 10। इसका मतलब यह है पी ने भी 10 डेज तक वर्क करा होगा और आर ने भी। इसके बाद हमें गिवन है अगर पी वर्क करे 2.5 डेज तक, अगर पी वर्क करे 2.5 डेज तक और आर वर्क करे 8.5 डेज तक तो हमारे पास हाफ वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां से आप पी और क्यू की एफिशिएंसी फाइंड आउट करो, पी और आर की यहां पुट कर दो, टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क को पी की एफिशिएंसी से डिवाइड करो, पी का टाइम, और यही फाइंड आउट करना है बस। 5P = 7R, सही है ना ये बच्चों, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, यही होगा ना 5P = 7R। तो क्या होगा, P अपॉन R P अपॉन R इक्वल्स टू 7/5। अब हमारे पास टोटल वर्क कितना होगा, P और R दोनों मिलके वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, 20। तो टोटल वर्क कितना होगा, 12 × 10, सॉरी कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, 10। तो टोटल वर्क कितना होगा, 120। अगर इस 120 को A की एफिशिएंसी से, सॉरी P की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो P का टाइम आ जाएगा, R की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो R का टाइम आ जाएगा। बताओ बच्चों कोई डाउट, करो इस क्वेश्चन को रीड अप। देखो अब की बार P और R ने अलग अलग वर्क करा है, मतलब P ने वर्क करा है 2.5 डेज तक और R ने वर्क करा है 8.5 डेज तक। देखो ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है अब 21, ये वैसे तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन अब आने बंद हो गए, लेकिन फिर भी क्या पता आ जाए कुछ। करो इसको रीड। देखो ए वर्क को करने में ए प्लस बी से 27 आवर्स ज्यादा लेगा और बी वर्क को करने में ए प्लस बी से 3 आवर्स ज्यादा लेगा, तो आपको फाइंड आउट करना है ए वर्क को करने में कितना टाइम लेगा। बताओ बच्चों कैसे करोगे, बहुत इजी है ये तो, मैथ तो बहुत इजी पार्ट है।
ए प्लस बी को चलो आप एक्स ले लो, उसके बाद क्या करोगे? सिर्फ ए इंटू 27 प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, राइट हैंड साइड में बी इंटू 3 प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स। देखो अब मेरी बात समझो आप, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ए वर्क को करने में ए प्लस बी से 27 आवर्स ज्यादा लेगा। सपोज ए प्लस बी वर्क को करेंगे एक्स डेज में, तो ए कितना टाइम लेगा पहले आप ये बताओ, एक्स प्लस 27, ए कितना टाइम लेगा ए प्लस बी से 27 आवर्स ज्यादा, और बी कितना टाइम लेगा, बी कितना टाइम लेगा बताओ बच्चों, बोलो। एक्स प्लस थ्री। एक्स प्लस थ्री। तो देखो अगर आपको ये एक्स का ए प्लस बी का मतलब एक्स की वैल्यू मिल जाए, सपोज एक्स की वैल्यू है आपके पास फोर, सपोज एक्स की वैल्यू है आपके पास फोर, मतलब ए प्लस बी का टाइम है फोर, तो ए को कितना टाइम लगेगा, सपोज अगर ए प्लस बी की वैल्यू है आपके पास फोर तो ए को कितना टाइम लगेगा, इससे 27 आवर्स ज्यादा, और बी को कितना टाइम लगेगा, इससे 3 आवर्स ज्यादा। तो अब कुल मिला के यहां से ना आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बताओ बच्चों एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। a into x plus 27 is equal to a plus b into x. ओके। देखो बच्चों एक बात मैंने आपको बहुत बार समझाई है, क्या ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल एकदम, यहां से x की वैल्यू कितनी होगी, रूट 27 मल्टीप्लाई 3, तो आपके पास डायरेक्ट ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 9। अगर ए प्लस बी को टाइम लगेगा 9 तो ए को कितना लगेगा, देखो कैसे तो इस बात को आप रहने दो, इसकी कोई आपको जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे ही इसको याद रखो डायरेक्ट, अगर आपको ए प्लस बी गिवन है तो आप ना डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास ए प्लस बी का टाइम आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, मतलब ये कॉन्सेप्ट खुद तो एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे इस कॉन्सेप्ट से आए हुए हैं। अगर आपको ए प्लस बी का टाइम फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं करना, बस जो भी आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू हो उनकी मल्टीप्लाई कर दो, ए प्लस बी का टाइम आ जाएगा 9, तो ए का टाइम कितना होगा बताओ बच्चों, थर्टी सिक्स, और बी का टाइम कितना होगा, ट्वेल्व। तो बस ये हमारा आंसर, जब भी आपके पास ऐसी फॉर्मेट आए तो एक बात आप हमेशा याद रखना, ए प्लस बी की वैल्यू जो होगी, जो भी आपको ए और बी की न्यूमेरिक वैल्यू गिवन हो उनकी मल्टीप्लाई कर दो बस। तो बच्चों बात समझ आई, हाँ बिल्कुल, रूट तो करना ही है इनका, ए प्लस बी इक्वल टू रूट 27 मल्टीप्लाई 3, रूट भी करना है और न्यूमेरिक वैल्यू की मल्टीप्लाई भी, तो आपके पास डायरेक्ट एक्स एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 कुछ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। तो अब आप 22 का आंसर बताओ बच्चों कितना होगा, देखो ऐसा होता है कुछ चीजें ना, 15 और 10, कितना, 15 और 10, बिल्कुल, कुछ चीजें ऐसी होती हैं उनको तुम डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, पूरी मैथ में कोई फॉर्मूला याद नहीं करा, लेकिन जो याद करने वाली चीज है उसको तो आप याद करना ही पड़ेगा।
ए को कितना टाइम लगेगा? ए प्लस बी से 9 आवर्स ज्यादा, तो ए का टाइम कितना होगा? एक्स प्लस 9। बी का टाइम कितना होगा? एक्स प्लस 4। तो हमें फाइंड आउट करना है ए को कितना टाइम लगेगा और बी को कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हमने ए और बी फाइंड आउट कर लिया। ए प्लस बी का टाइम कितना होगा? रूट 9 मल्टीप्लाई 4। तो ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 6। ए प्लस बी का टाइम होगा हमारे पास 6, तो ए को कितना टाइम लगेगा? 15। और बी को कितना टाइम लगेगा? 10। और अब आप ये बताओ ए और बी दोनों को मिला के कितना टाइम लगेगा? 25। भाई ए और बी का दोनों को मिला के तो टाइम आपको गिवन ही है 6। ए को टाइम लगेगा 15, बी को टाइम लगेगा 10। अगर आप दोनों को मिला के वर्क कराओगे तो कितना टाइम लगेगा? 6। बताओ बच्चों, बात समझ आई यहां तक? इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो और ट्राई करना। बाकी कल तो हम इसको करेंगे ही, लेकिन आप सब भी एक बार ट्राई करना, अच्छा सा क्वेश्चन है। हाँ जी सर, मेरे को इस चैप्टर में दिक्कत हो रही है। क्या हो रहा है? प्रॉब्लम हो रही है सर इस चैप्टर में, मतलब कि जैसे आप सॉल्व करवा लोगे जो क्वेश्चन है, मतलब समझा देते हो तो समझ आ जाते हैं, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद में मतलब मैं स्टक हो जाता हूँ क्वेश्चन में। आप ना, ये ना बहुत सारे बच्चों के साथ होता होगा। आप बार बार प्रैक्टिस करो, देखो इसको नोट करो। जब आप प्रैक्टिस करो ना स्टार्टिंग में, तो अपनी जो नोटबुक है जहाँ आप इनके